वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो अजय देवगन के बयान जो कि मैंने अभी सुना, तो मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ। वाकई में ये दो बयान जो दिए हैं ना, देखा जाए तो तानाजी मूवी जो कि ना देखने वाले हैं, जो तानाजी हेटर्स हैं या तानाजी के फैंस नहीं हैं, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया जवाब है। और जो भी इस टाइम जो घटनाएं चल रही उनको लिए भी एक बढ़िया जवाब दिया है। उन दोनों जवाब के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि तानाजी मूवी के बारे में जहाँ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, मैंने आपको बताया अभी था कि जहाँ डायलॉग्स को लेकर और कुछ सीन्स को लेकर बात चल रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अजय देवगन ने साफ सीधा ये बोला कि हम इंडिया की पब्लिक को या और भी कहीं की पब्लिक को, हम चाहे कितना भी कुछ अच्छा कर लें, कितना भी बड़ा कर लें, कितना भी कैसी भी मतलब मूवी ला के दे दें या कुछ भी कर दें, तो हम सबको खुश नहीं कर सकते। उनका सीधा ये कहना है कि हम अपनी मतलब कुछ भी नया लेकर आते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं, भले ही हम कितना भी आगे सोच लें, कितना भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। ये उन लोगों को जवाब था जो कि इसके पीछे पड़े हुए थे और जो इसके हेटर्स थे। वहीं अगर मैं बात करूं अभी जो इस समय ईंट पथराव और इन सारी बातें चल रही हैं कि इधर उधर जो इतनी चर्चाएं चल रही, उसको लेकर साफ सीधा ये भी बात एक बोली नज़र आई, मैंने सुनी कि ये बोला गया कि जो इस टाइम जो पब्लिक हड़कम मचा रही, उनको लेकर साफ सीधा ये बोला कि वो फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब, इससे सिर्फ इंडिया में जो जगह जगह नुकसान हो रहा है, सिर्फ यही नुकसान होगा और कोई मतलब नहीं बनता। अगर किसी बात को पूरा करना है तो उसके लिए बात करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम का वेट करना पड़ेगा, आखिर आगे फैसला क्या होगा और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको देखिए, फिर उसके बाद हम देन आगे सरकार फैसला लेगी, क्योंकि टाइम नहीं निकल जाता है, टाइम चलता रहता है और टाइम ना रुकेगा। तो इसलिए सपोर्ट करना चाहिए एक ऐसी सरकार को जो कि बड़े बड़े फैसले लेकर आप लोगों को कुछ नया करके दिखाने की कोशिश कर रही, भले ही आजकल के टाइम में मंदी का दौर है, आती है कभी 7 साल में 10 साल में आती है और फिर चली जाती है। और आने वाले टाइम में मैं बेशक बोल सकता हूँ कि इस फैसले को बहुत लोग मान भी रहे हैं और बहुत लोग सब लोग मानेंगे। और अजय देवगन के ये दोनों बयान भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगे जो कि उन्होंने तानाजी और नागरिकता को लेकर दिए, कि हर एक पब्लिक को लोकतंत्र में बोला जाता है कि छूट है, तो हर एक पब्लिक जो कर रहे हैं उनके लिए भी छूट है, लेकिन उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से वो कर रहे हैं। तो बहुत ही सही बयान लगा मुझे, और देखते हैं आने वाले टाइम में और भी अगर कुछ होता है तो नया मैं लेकर आता हूँ जैसे ही टाइम मिलता है। तो हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं।